So hello students of 9th class, how are you all? Nikishan Verma welcomes you with the second poem of Bihai, that is, oh my god, तेज हवाएं क्यों चल रही हैं? तो अंदाजा लग गया होगा कि the second poem of Bihai, that is Wind. जी हाँ, आज हम poem पढ़ेंगे Wind, जिसे लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने. So just get ready with your paper, pen, pencil and whatever you are having and note down all the important things which I am going to tell you. Just get ready. That wind is a natural phenomenon and in this poem the poet talks to the wind, जो कवि है वो क्या कर रहा है, हवा से बातें कर रहा है. The power of wind has been described in this poem. और इस कविता में जो कवि ने क्या किया है कि जो हवा होती है उसकी पावर को क्या किया है हम लोगों के सामने बिल्कुल अच्छे से क्या किया है, एक्सप्लेन किया है. He has linked the destructive power of wind with the adversities of human life. कि इंसान की जिंदगी की जो कमियां होती है उनके साथ उसने क्या किया है, कभी ने जो विंड की पावर है, हवा की जो पावर है उसे क्या किया है, अटैच किया है. सो एंड दिस पोएम गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली स्ट्रांग टू फेस ऑल द डिफिकल्टीज ऑफ द लाइफ. की जिंदगी में आने वाली हर एक मुसीबतों का सामना हम लोग कब कर पाएंगे, जब हम मेंटली क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे. मेंटली बिल्कुल क्या होंगे, हम लोग मजबूत होंगे. तो चलिए लाइन टू लाइन इस पोएम को मैं आप लोगों के लिए क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ. So, सुब्रमण्यम भारती जी हवा से बात करते हुए क्या कहते हैं कि विंड कम सॉफ्टली, कि ए हवा जरा धीरे धीरे आ. सो इन द फर्स्ट लाइन द पोएट इज एड्रेसिंग टू द विंड एंड ही इज रिक्वेस्टिंग हर कि प्लीज आप अगर आपसे हो सके तो थोड़ा क्या चल लीजिए, धीरे चल लीजिए. एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, और अगर तेज चलते हो तो मेरी खिड़कियों के जो है जो शटर्स होते क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. और प्लीज डोंट स्कैटर्स द पेपर, कितनी मुश्किल से इन कागजों को मैंने क्या किया है, जचाया है. तो प्लीज इन पेपर को आप क्या मत कीजिए, सिंपल इधर उधर मत कीजिए. डोंट स्कैटर दीज पेपर्स, प्लीज डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. मम्मी से डांट खा खा के मैंने शेल्फ पे किताबों को क्या किया है, जचाया है. तो प्लीज इन किताबों को आप नीचे मत गिराइए. देखो कर दिया ना आपने, थ्रो देम ऑल डाउन, आपने सारी की सारी मेरी किताबें क्या कर दी, नीचे गिरा दी. थ्रो द पेजेस ऑफ द बुक, सारी किताब के पन्ने आपने क्या कर दिए, फाड़ दिए. द मीनिंग ऑफ टोर टू टीयर, यू नो जो पन्ने हैं मेरी सारी किताब के पन्ने ए टू जेड पन्ने आपने क्या कर दिए, फाड़ दिए. मैडम भी क्या मारेगी, बहुत ज्यादा मुझे डांट मारेगी. यू ब्रॉट रेन अगेन, दोबारा से आप क्या ले आए अपने साथ, बरसात को ले आए. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, बड़े चलाक हो आप कमजोर लोग. विकलिंग विकलिंग होते हैं कमजोर, पोकिंग फन होता है टू मेक फन ऑफ, कि आप कमजोर लोगों का बड़ा ही क्या उड़ाते हो, मजाक उड़ाते हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमजोर घरों को क्या कर देते हो, गिरा देते हो. क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजों को गिरा देती है. क्रम्बलिंग राफ्टर्स, जो बीम लगे हुए छतों पे उन्हें तक आप क्या कर देते हो, गिरा देते हो. क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, दिलों को तोड़ देते हो, लकड़ियों को तोड़ देते हो, घरों को तोड़ देते हो, हर चीज को आप क्या कर देती हो, बिखेर देती हो. सो प्लीज द विंड गॉड विनोज एंड क्रशिज देम ऑल. अभी विंड गॉड्स की जो हवा के जो देवता है वो जब चलते हैं तो क्या करते हैं, विनोज विनोज यू नो जब हम क्या करते हैं शाफ्ट्स को जब अलग करती है ग्रेन से, जब अनाज से जो भूसा होता है उसे अलग किया जाता है वो क्या कहलाती है, विनोइंग की प्रोसेस कहलाती है. तो जब ये विंड देवता चलते हैं तो क्या करते हैं, हर एक चीज, दरवाजों को, घरों को, जिंदगियों को, हर चीज को क्या कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, हर चीज को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं. बट ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, लेकिन हवा के देवता वो नहीं करेंगे जो आप उसे कह रहे हो, क्योंकि ये तो क्या है, अपनी मर्जी के मालिक है. सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आइए और मजबूत घरों को बनाइए, क्योंकि हवा नेचर वैसे नहीं चलेगी जैसे आप उसे चलाना चाहते हैं. बट वी कैन डू समथिंग, हम कुछ कर सकते हैं. मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था कि लाइफ की जो डिफिकल्टीज होती हैं वो आप कब फेस कर पाओगे, रोने से फेस नहीं कर पाओगे आप लोग. आप उन्हें कब फेस कर पाओगे, जब आप क्या बनोगे, मजबूत बनोगे. आप लोग क्या बनोगे, मेंटली टफ बनोगे. तो कभी कहता है कि सो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ हम लोग क्या बनाए, अपने घरों को क्या बनाए, मजबूत बनाए. लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, अपने दरवाजों को इतना मजबूत लगाए कि कोई हवा उन्हें क्या ना कर सके, गिरा ना सके. प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, अपने शरीर को क्या बनाइए, इतना मजबूत बनाइए, इतना अभ्यास कीजिए. एंड मेक द हार्ट स्टैंड फास्ट, और अपने दिल को भी क्या बनाइए, मजबूत बनाइए. डू दिस
एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। बस इतना कीजिए और देखना कि हवा आपकी क्या बन जाएगी, दोस्त बन जाएगी। मीन्स इतना कीजिए कि खुद को मजबूत बनाइए और उसके बाद दुनिया की ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है जो आपको क्या कर सके, परेशान कर सके। क्योंकि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, क्योंकि हवा कमजोर आग को क्या कर देती है, बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लॉरिश। लेकिन जो मजबूत आग होती है उसे और ज्यादा क्या कर देती है, हवा बढ़ा देती है। His friendship is good, हवा के साथ दोस्ती बहुत अच्छी है। We praise him every day, हम रोज उसकी क्या करेंगे, प्रेज करेंगे। कब? जब अपने आप को हम लोग क्या बना लेंगे, मजबूत बना लेंगे। तो सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पोयम द विंड विच गिविंग अस अ वेरी क्लियर मैसेज दैट Never weep over difficulties. Just be so strong that difficulties runs away. After watching your enthusiasm, after watching, after observing your endurance. So that was all. Have a good day. Stay at home and don't forget to help your parents. अब हवा से डर नहीं लग रहा क्योंकि सुब्रह्मण्यम भारती जी ने सिखा दिया है. Be strong. Bye bye.